और हम लोग वीरान में फंसे हुए हैं बिल्कुल। आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे में कहीं कोई है ही नहीं, ये इससे टकरा के तो टाटा अल्टोज है ही हमारी। आप गाड़ी कहाँ ले जाए, आपको लग रहा है पहाड़ों पे चल रहे हैं? नहीं भैया, ये हमारी ममदावादी रोड है, पूरी पूरी लहरानी पड़ रही है। अब ये देखिए ये गड्ढा, आप देखिए आप इसकी गहराई नापिए, ये गहराई नापिए आप, ये देखिए ये गड्ढे हैं, ये अब आप गड्ढे देखिए। और मेन रोड है, मतलब हमें और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कहीं और से जा भी सकते हैं? नहीं भैया, नहीं जा सकते। अब हमारा रोड की वजह से हमारी गाड़ी में नुकसान हुआ, ये हो रहा है। अभी वो जो टो कराए ना, उसका बिल भैया देख रहे हो, हम सेयर करेंगे आप लोगों का क्या होता है ना। आप ये देखिए गाड़ी वाला कहाँ जा रहा है, कहाँ जाएगा बेचारा, उसको जाना ही पड़ेगा, वो तो मजबूर है बेचारा। ऐसा करें ना कि रोड हटा दें खाली, ये कच्ची रहने दें तब भी तो सही है, लोग बैलगाड़ी लेके घूमने लगे हैं, रोड टैक्स भरते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है भैया, गाड़ी दो तो भैया इतना टैक्स, इतना टैक्स। तो ये है हमारी टाटा अल्ट्रोज। तो समस्या क्या आई है, जो इसमें ये बेल्ट है ना, इससे टकरा के कूलेंट वाला पाइप टकरा के वो फट गया है। अब जब रोडें ख़राब होंगी तो ऐसा ही होगा। जब दबाना अभिषेक देखें कैसा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे पूरे में ऑयल दिख रहा होगा और पाइप में वो होल दिख रहा होगा, वहाँ से ऑयल पूरा निकल गया है। तो ये नुकसान होते हैं बहुत ज़्यादा, तब ख़राब रोड होती है तो ये भुगतना पड़ता है। और हम लोग वीरान में फंसे हुए हैं बिल्कुल। आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरे में कहीं कोई है ही नहीं, और ये हमारा कैमरा ब्लर हो गया। तो ऐसे बीहड़ में फंसे हुए हैं बिल्कुल, कुछ नहीं है। तो अब टो वाले को बुलाया है, पहले 2 घंटे बोला था, अब 2 घंटे बाद फिर कह रहा है कि 2 घंटे लगेंगे। तो समय बता दे, टाइम दिखा दे। टाइम रात के 10:44:45 हो गए हैं, अब भीहड़ में हमें 12 बजे खड़ा होना। तो इसमें थोड़ा सा धक्का लगवा के मैं यहाँ पर थोड़ा इसे आगे खड़ा कर दिया, जिससे वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शांति, एकदम वैसा इलाका था, तो यहाँ पर थोड़ा सा सही फील हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर पहले लगता है कोई रहता भी है, तो दिन में आप देखें यहाँ पोस्टर वोस्टर लगा हुआ है, तो इससे अभी मैं आया था आपको दिखा तो दिया ही, क्या प्रॉब्लम है। तो अब देखते हैं कितने बजे टो होगी गाड़ी। अब चल रही है, लॉक कैसे हो जाता है? भैया इसे खाली करो, आओ ये स्टेपनी चेक कर लो, आप सारे पार्ट है भैया, ठीक है। मीटिंग सिस्टम सिस्टम सब कुछ है आपका, एंटीना थोड़ा बहुत डाल देते हैं इसे, नाम डालो सिग्नेचर कहाँ पे करने यहाँ पे बीच वाले खाने में, पेट्रोल का नहीं दिखाओगे दिखा। तो अभी मैं गाड़ी में जो कुछ भी मेरा सामान था सारा कुछ निकाल ले रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मैंने फॉर्मेलिटी फिल की हुई है उस पर मैंने मेंशन किया है कि मेरा कोई भी ज़रूरी सामान गाड़ी में नहीं है, क्योंकि अब गाड़ी जो है हम यहाँ पर छोड़ देंगे और जो ये टो करने वाले हैं ये इसे ले जाएंगे इटावा। इटावा काफ़ी दूर है, लगभग 100 किलोमीटर तो ज़्यादा ही होगा यहाँ से। तो ऐसे अब टो हो चुकी है, अब ये इटावा जाने के लिए तैयार है, तो हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पे और हम लोग जाते हैं अपने घर फरुखाबाद, और ये गाड़ी जा रही है इटावा। तो चलिए, तो गाड़ी काफ़ी आगे निकल गई थी, लेकिन तब मुझे ध्यान आया कि मैं अपनी कोई बहुत ज़रूरी चीज़ उसमें भूल आया हूँ, तो मैं अभी उसे यहाँ पर लेने आया था। तो बस अब मैं जा रहा हूँ वापस घर, और इसके बाद में अगले ब्लॉग में मिलेंगे इटावा में क्या क्या काम हुआ। बाय बाय।